What is fun? Good evening. Good evening. It's my pleasure to be here. जब आप प्रेस कर रहे थे पीछे तो मैं उसको तो विजुअल में था। मेरी पूरी इच्छा थी कि आपके साथ मैं भी रहूँ, मुझे ये पुरानी नहीं पता है। लेकिन ये मैंने बार बार ये कम्युनिकेट किया हुआ है कि जी ये जो माइंड सॉफ्ट है इट्स अ मेनेस एंड वी ऑल नो इट। आई एम विटनेसिंग इट आपके यहाँ, आई एम विटनेसिंग इट इन सरोज बिहार एंड कपल रोड प्लेसेस। I'm fighting against it long. पिछली बार जब सरकार में थे तो सपोरिया साहब से निकली तो मैं जब उनके पास में सारे रिक्वेस्ट करती है उन्होंने कहा कि आप रेवेन्यू कहाँ से कमाओगे अगर आप बंद करवा दोगे। उन्होंने उसमें कहा कि रेवेन्यू की हमें चिंता नहीं करती है और उस वक्त नहीं हो पाया बिकॉज हमारी सरकार ले गई। लेकिन आप फिर से बात हुई इसकी और मैंने कहा जब उन्होंने आपके साथ शेयर किया होगा कि जो SDM में हुआ क्योंकि वहां के ऑलमोस्ट 99% रेजिडेंट्स ने साइन कर दिया। इनकी मुलाकात चीफ मिनिस्टर से हुई और चीफ मिनिस्टर उसी वक्त वहां पे ऑन द स्पॉट उन्होंने एक्साइज कमिश्नर को फोन करके कहा कि मैं इसको करके हमें कोई मुसीबत नहीं, हम ये नॉन एलर्जिक टू माइन वरना शेन ये रेजिडेंशियल पॉपुलेशन में नहीं होनी चाहिए। जहां लोग रहते हैं वही आप वहां रहने से मॉल के अंदर रहे, मॉल में है रह चुके मैनेजर। और मुझे आए भी कि दिनों से याद है कि जिसको दारू पीनी है वो कहीं से ढूंढ लाता है। आप कितने भी दूर दुकान रखें वो ढूंढना है। जरूरी नहीं है कि उसको आप यहाँ पे बीच में किसी मैसिव कॉम्प्लेक्स में रखें जो कि जहाँ रेजिडेंशियल एरियाज हैं जहाँ नहीं जाते जाते। और ये अकेला नहीं आता है, इस तरह लोन प्रॉब्लम मोमिन हवा वाइन शॉप उसके बाद फिर वो गाड़ी में बैठ जाएंगे उसके साथ भी वो चटने भी लेंगे और क्या क्या मिलता है किसी से पेट्रोल लेता नहीं हूँ मुझे नहीं मान पे हिसाब में मिलता है तो ये काफ़ी कुछ मिलता है। बिकॉज ये क्या है इंडस्ट्री फिर वो खाली बैठ लोग छेड़ा खानी करेंगे कुछ भी बोल नहीं किसी मैडम को। जैसे कि हमारे यहाँ SDA के अंदर कहाँ से शुरू हुई समस्या है, एक वहाँ ग्रीता जी हैं। ग्रीता जी रोज गार्डन से चल रही थी अपने अपने बेटी के साथ आ रही थी अपने घर पर और किसी ने उनको गाड़ी में बैठा हुआ आदमी से छेड़ा कि जी आज रात के लिए कितना लोग चूंकि हाथ में देरी हुई और जहां ये घटना घटी उसका ब्लड तो बॉइल करेगा। दैट वाज द पॉइंट आई सेड दिस एनफ दिस हैज टू बी दिस हैज टू गो। जब ये लेकिन आप करोगे तो बड़े पावरफुल होंगे, छोटे मोटे लोग नहीं है, दारू के ठेके दिल्ली के अंदर छोटे मोटे लोग का नहीं है तो बहुत बड़े बड़े लोग का है। आई वुड नॉट आई मीन वी आर स्टिल कलेक्टिंग द फिगर्स। लेकिन मैं आपको इसी घटना बताता हूँ, जब ये पंद्रह को हुआ वहाँ पे दो फिल्टर करके और SDA में था। उसके बाद मुझे HR भारद्वाज साहब जो लॉ मिनिस्टर थे सेंट्रल लॉ मिनिस्टर थे उनके बेटे का फोन आ रहा था भारद्वाज जी का कि क्या कर रहे हैं सर आप तो वेटरनरी के हैं तो तुम छोड़ो। मेरे को जस्टिस मनमोहन का फोन आया, मेरे को किस चीज़ का फोन नहीं आया और चूंकि वो आए थे बच्चे हैं जिन्होंने फोन रखाया और मैं भी आई का हूँ तो आई टी कॉन्टैक्ट लेके आए वो हर तरफ से प्रसाइज करने का प्रयास किया लेकिन हम नहीं माने। आपके पास तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा बिजनेस है गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि तुम गलत काम कर रहे हो लेकिन इसके साथ जो चीजें अटैच आती हैं आप कहीं मौत कर लो मैं आपको मदद करूंगा आप रिलोकेट कर लो। तो सरकार ने दो पॉलिसी बनाई है तो अभी तो दो सफल नहीं हुए बिकॉज दे वेंट टू द हाईकोर्ट ऑल्सो। वो हाईकोर्ट भी गए, हाईकोर्ट में जाकर के उन्होंने बड़े लंबे लंबे आर्गुमेंट्स दिए और आर्गुमेंट्स दिए ये भी आर्गुमेंट दे दिया कि जी सोमनाथ भारती को और आम आदमी पार्टी के सीनियर एक्टिव के सहाय करते थे भैया वो कह रहे थे कि हमें वो डिस्काउंट दो या फिर मतलब एलिगेशन भी लगाना वो चूकते नहीं। तो ये बड़ा कीचड़ है और जो छेड़ोगे जब किसी कुछ बंद होगा तो वो एलिगेशन लगाएगा आपके कि जी फलाना हो गया गिरा हो गया वो मानता था वो करता था। लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हुई इसको करने में, उनको बोला कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूं लेकिन मैं इसलिए अगेंस्ट हूं कि मेरे क्षेत्र की महिलाएं मेरे क्षेत्र की बेटियां मेरे क्षेत्र की बहने वो ये फेस करें। आई वांट टू डू दिस अपने और बोलो कोई समस्या नहीं है। तो सरकार ने ये पॉलिसी SDA के बाद ही बनाई और SDA का उसमें कहा कि जी हम इसको एक एग्जाम्पल बना के चलेंगे।
देखिए वो जो बिहार में हो गया कि शराब बंद, वो सफल नहीं है। क्योंकि शराब बंद का मतलब है कि और एवेन्यूज खुल गए नकली शराब बिकने के और वो शराबें बिकेंगे जो कि जैसे कि लोगों की मौत हो सकती है। तो मोहल्ला सभा उसमें दो चीजें हैं, एक तो ये है कि जी नई अगर नई खोलने का किसी को लाइसेंस